ऋषिकेश के छिंद्रवाला में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान पूर्व सीएम ने भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मसूरी के एकमात्र म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 6 पदों में से 5 पदों पर जीत हासिल की। वहीं एनएसयूआई और जौनपुर ग्रुप का सूपड़ा साफ हो गया। चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी चौकसी बरती गई और चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पवार ने बताया कि छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 5 पदों पर विजय हासिल की। महासचिव पद पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। अध्यक्ष पद पर विजय प्रत्याशी प्रीतम लाल ने बताया कि वे छात्र हित और कॉलेज की समस्याओं को लेकर कार्य करेंगे। उनका इलेक्शन था, बड़े शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण में संपन्न हो गया है और इसमें सभी 6 पदों के लिए इलेक्शन हुआ था। उनका जो हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। 4 बच्चे ऐसे आए थे, चाहे वो भूलवश आए, जैसे आए उनके पास पुराना आइडेंटिटी कार्ड था और किसी के पास दूसरा आइडेंटिटी कार्ड आ गया था, वो हमारी टीम ने बाहर पे ही पकड़ लिया था, उनको वोट डालने नहीं दिया और सभी के सहयोग से जो है हमारा छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो। हाँ, इसके तुरंत बाद चूंकि जो है शपथ ग्रहण करा दी जाएगी और जो भी छात्र निर्वाचित हुए हैं उनको अभी बुला के आज ही जो है शपथ ग्रहण समारोह भी पूर्ण कर लिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बहुत ही संघर्षों के साथ मेहनत की और आज पूरे पैनल के साथ कॉलेज में आई है। मैं सबसे पहले समस्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता और कॉलेज के समस्त कार्यकर्ताओं और हर छात्र छात्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस कॉलेज का अध्यक्ष पद का बनाया और मैं आपका आभारी रहूँगा और मैं आगे संघर्ष करता रहूँगा। जैसे कि आपको पता ही है कॉलेज की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे 13 से 14 पद शिक्षक के रिक्त पद पड़े हुए हैं, उन्हें पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं है, उन्हें लाने की पूरी कोशिश करूँगा। रामनगर के ग्राम चोरपानी में रहने वाले एक मजदूर की 5 साल की बेटी को अज्ञात कार चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मासूम की मां ने बताया कि उनकी 5 वर्षीय पुत्री गांव की ही एक दुकान से दूध लेकर वापस आ रही थी। इसी बीच एक अज्ञात कार चालक ने उसे टक्कर मार दी और वहां से वो फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सूचना के 2 घंटे तक भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई। घटना ये हुई, मेरी लड़की घर से दूध लेने गई, दूध लेकर वापसी आ गई, कच्चे रास्ते पर खड़ी, वो पार करने के राई रोड बोले ये गाड़ी नहीं आवे इधर उधर से, तो मैं कार पार कर लूँ रास्ता, मेरी लोंडिया कुआं ही ठोक गया कच्चे रास्ते में, कार वाला भाग गया, वो लड़की का क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, अब क्या पता हमें क्या। 5 साल की। पौड़ी जिले के अधिकतर महाविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने अपना परचम लहराया है। अलग अलग जगह एनएसयूआई के छात्रों ने विजय जुलूस निकाला। राजकीय महाविद्यालय सतपुली में एनएसयूआई के सभी प्रत्याशी निर्विरोध ही चुनाव जीते। वहीं जयहरीखाल यमकेश्वर में भी एनएसयूआई का दबदबा रहा। वहीं कोटद्वार के पीताम्बर दत्त बर्तवाल राजकीय महाविद्यालय में भी एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने बताया कि एनएसयूआई छात्र हित में कार्य करता है, इसीलिए एनएसयूआई पर छात्रों ने भरोसा जताया। राजकीय महाविद्यालय सतपुली से यूआर के पद के लिए चयन किया गया है और जो भी कार्य होगा हम पहले बच्चों की सुनेंगे, फिर उसके बाद लेंगे कोई भी कदम। पहले यहाँ सबसे पहले हम एक तो आर लगाएंगे बच्चों के लिए हम सबसे पहले यहाँ एक आर लगाएंगे और दूसरी बात कि यहाँ पीजी कॉलेज का भी अभी मेरे संज्ञान में एक ही पीजी कॉलेज भी करवा जा रहा है यहाँ, और मतलब जो भी होगा कि हम छात्र हित के लिए कार्य करेंगे। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो कॉलेज में और छात्र जो अपनी परेशानियां हमें बताएंगे और कॉलेज में जो परेशानी है जैसे टीचरों की परेशानी, जैसे कोई भवन बनाना हो तो हम उसमें पूरा अपना सहयोग देंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने कॉलेज की हर समस्या का समाधान कर सकूं। यहाँ कॉलेज में कोई लैब की समस्या है, टीचरों की समस्या, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको हल कर सकूं। प्रथम मैं अपने तीनों ही कैंडिडेट का, हमारे छोटे भाई बहनों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ जो जीत के आए हैं और 9 दिन का चुनाव हुआ है। एबीपी को एक्चुअल में यहाँ क्या है कि कई वर्षों से यहाँ एनएसयूआई कार्यरत है। एनएसयूआई काफ़ी समय से यहाँ पे छात्र हितों में कार्य कर रही है और छात्र हितों में हर चीज़ वो अपना पूरा योगदान दे रही है, इसी कारण यहाँ एबीपी को कोई यहाँ पहचान भी नहीं पा रहा है। प्रदेश में संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में टिहरी जनपद के बालगंगा महाविद्यालय सेंदुर केमर में जहां नामांकन के दिन ही 5 पदों पर एबीवीपी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, वहीं वोटिंग के बाद अध्यक्ष और महासचिव पद पर भी एबीवीपी ने जीत हासिल की है।
अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आशुतोष बिश ने निर्दलीय शुभांकर जोयाल को 101 वोटों से हराया। वहीं महासचिव पद पर महादेव भंडारी ने प्रियांशु सिंह को 93 वोटों से हराया। हमारे महाविद्यालय में केवल 2 पदों के चुनाव हुए थे। महासचिव पद पर 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, प्रियांशु सिंह 138 मत लेकर दूसरे स्थान पर और महादेव सिंह भंडारी 231 मत लेकर प्रथम स्थान पर रहे। अतः महादेव सिंह भंडारी को महासचिव पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। अध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, शुभांकर जुयाल 135 मत लेकर दूसरे स्थान पर रहे, आशुतोष बिष्ट 236 मत लेकर प्रथम स्थान पर रहे। अतः आशुतोष बिष्ट को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया जाएगा। सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाया। मैं उन छात्र छात्राओं को विश्वास दिलाता हूं जो मेरे वादे हैं, मैं उनको वादे पर 100% काम करूंगा। और मैं तो मैंने सभी छात्र छात्राओं से वादा किया था, मैं यहाँ पे दो महीने के अंदर यहाँ पे वाईफाई की व्यवस्था लाऊंगा। पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। परिषद ने मुझे चुनाव लड़ने के लायक समझा और मुझे चुनावी मैदान में उतारा। मैं परिषद के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बालगंगा महाविद्यालय में पढ़ने वाले समस्त भैया बहनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और दिल की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इतने अच्छे मतों से विजय बनाया है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग में छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गए। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी धीरज रौतेला और उपाध्यक्ष पद पर अंजलि शाह, महासचिव पद पर शिवानी धानिक और कोषाध्यक्ष पद पर राहुल बहरा ने जीत हासिल की। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्र संघ चुनाव के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को प्राचार्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नव निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष धीरज रौतेला ने सभी छात्र छात्राओं और महाविद्यालय प्रशासन का आभार जताया और छात्र हितों को लेकर लगातार कार्य करने की बात कही। विद्यार्थियों का धन्यवाद करूंगा जो हमारे साथ दिन रात मेहनत कर रहे थे और मुझे निर्विरोध निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष बनाया गया। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। बाकी जितने भी वादे हमने पूरे किए हैं, हम संघर्ष पूरा करेंगे कि उनको पूरा करेंगे।